आसमान बहुत है उड़ान भरने के लिए, पर एक घोंसला भी चाहिए इत्मीनान करने के लिए। और मंजिल पर ही चैन मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा रुकना और थोड़ा चलने के लिए। कड़ाके की धूप है और हम दोनों उमा के साथ में फोटोकॉपी की दुकान ढूंढ रहे हैं, जो कि रेलवे स्टेशन में या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास था नहीं। तो हम निकल जाते हैं थोड़ी रोड की तरफ और वहाँ पे देखते हैं तो कोई भी फोटोकॉपी की दुकान नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही हम नेट पे सर्च करते हैं तो जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है वहाँ कृति का फ़ोटो कॉपी करके है, वहाँ पे हमने फोटोकॉपी कराया। फिर उसके बाद फिर हम चले जाते हैं रेलवे स्टेशन और हमें काफ़ी ज़्यादा धूप लगती है, तो इस हिसाब से हम कुल्फ़ी खा लेते हैं और फिर हम थोड़ा वेटिंग रूम पे इंतज़ार करते हैं हमारे ट्रेन का। और जैसे ही हम पलट के देखते हैं तो हमें नज़र आता है हमारे अमरकंटक के प्यारे से खूबसूरत जो सोनमुड़ा का दृश्य, और उसके बाद हमारा ट्रेन आ जाता है। तो हम फिर चढ़कर निकल जाते हैं भोपाल की तरफ। भोपाल के इस सफर में मैं अकेला नहीं था। ये प्रकृति का सुंदर नज़ारा और मनमोहक दृश्य और ये लंबी लंबी सुरंग और इसकी गड़गड़ाहट की आवाज़, और उमा और शुक्ल भाई हम तीनों भोपाल की इस यात्रा पे निकले थे। और कुछ ही देर बाद हम भोपाल रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और हम अब रेल से उतरकर भोपाल रेलवे स्टेशन पर फाइनली पहुंच चुके हैं। यहाँ पर और हमें ग्रीन हब की जो टीम है वो रिसीव कर लिया है और अब हम रेलवे स्टेशन से ग्रीन हब सेंटर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और इसी बीच हम भोपाल के दृश्य को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस तरीके से भोपाल के बीच होते हुए मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ या फिर घूम रहा हूँ। और MP अजब गजब है, आप ये देख सकते हैं, और वाकई भोपाल बहुत गजब है, मुझे अच्छा लगा। और हम ग्रीन हब सेंटर है वहाँ पर पहुँचने वाले थे और इसी बीच अपनी बाहें फैलाए आनंद लेते हुए, और ये ग्रीन हब हमें अलाउड हुआ है ये वाला रूम, और वो बाहर आउटसाइड है नहा धो के, बिल्कुल नहा धो के।
है।